जिला कांगड़ा मुख्यालय में कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन नए मामले सामने आ रहे हैं। बड़ी बात तो ये है कि अब विभागीय कर्मचारी संक्रमण की चपेट में आने लगे हैं। पहले धर्मशाला नगर निगम के कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आए, उसके बाद डीसी ऑफिस के 15 कर्मचारी भी संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। ताजा जानकारी के अनुसार अब पुलिस अधीक्षक कार्यालय धर्मशाला में भी कोविड-19 के 12 मामले सामने आए हैं। एहतियात के तौर पर पुलिस अधीक्षक विमुक्त रंजन ने कार्यालय को अगले 48 घंटे के लिए बंद करने के आदेश जारी किए हैं। एसपी ने कहा कि एसओपी के अनुसार कार्यालय को सैनिटाइज किया जाएगा और उसके बाद ही 23 नवंबर को कार्यालय खोला जाएगा। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए धर्मशाला से राजेश कुमार।